वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। एडवर्ड वॉरेन माइनी का जन्म 7 सितंबर 1926 ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट में हुआ था और लॉरेन रीटा वॉरेन का जन्म 31 जनवरी 1927 को मॉनरेक कनेक्टिकट में। ये दोनों फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे क्योंकि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 10,000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल केसेस को इन्वेस्टिगेट किया था। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो एडवर्ड एक वर्ल्ड वॉर 2 का नेवी वेटरन था और साथ ही एक फॉर्मर ऑफिसर जिसने अपना बचपन एक हॉन्टेड हाउस में गुजारा था, जिसके कारण से वो एक सेल्फ टॉट डिमोनोलॉजिस्ट, ऑथर और लेक्चरर बना। और अब बात करें लॉरेन की, जिनको 8 साल की उम्र में ही ह्यूमन ऑरा दिखता था, लेकिन वो इस बात को अपने घर में बताने से डरती थी कि उन पर कोई यकीन करेगा भी या नहीं। जब वो 16 साल की हुई तब उनको मालूम चला कि ये ऑरा हमेशा अच्छा नहीं होता, बल्कि कुछ नेगेटिव और डार्क ऑरा भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एड और लॉरेन की मुलाकात तब हुई जब वो 17 और 16 साल के थे। एड उस वक्त कॉलोनियन थिएटर में काम करते थे जो कि एक ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट में था। इसके ठीक 1 साल बाद इन दोनों ने शादी कर ली। एड ने वर्ल्ड वॉर 2 में भी सर्व किया और फिर नेवी को छोड़ के उन्होंने एक आर्टिस्ट बनने का सोचा। पेरी आर्ट्स स्कूल में उन्होंने आर्ट सीखी और फिर उसके बाद वो घूमने फिरने निकल गए, जहाँ पर उन्होंने घूमते घूमते लॉरेन के साथ घोस्ट और स्पिरिट्स के बारे में काम करने का सोचा। एड का बचपन हॉन्टेड हाउस में ही गुजरा था और उसी की वजह से उनको इस काम में इंटरेस्ट आने लगा। एड जहाँ भी जाया करते थे वहाँ पे वो लॉरेन को एक मीडियम एक ह्यूमन टॉर्च की तरह लेके जाया करते थे, जिसका मतलब ये होता था कि जो डेड लोगों की स्पिरिट्स से कम्युनिकेट करके लिविंग पर्सन को बताया करती थी। अगर आज को देखें तो इस यंग कपल ने कभी भी उस वक्त ये नहीं सोचा होगा कि वो आज की डेट में लीडिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनते। लेकिन बस इतना ही नहीं था, इन्होंने 1952 में न्यू इंग्लैंड रिसर्च फॉर साइकिक रिसर्च ग्रुप भी बनाया, जो कि अमेरिका का सबसे पुराना गोस्ट हंटिंग ग्रुप है। न्यू इंग्लैंड के अंदर इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी जिसके अंदर कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और इनके पर्सनल केसेस के बारे में लिखा हुआ था। वॉरेन्स का नाम सबसे पहले एमिटिविल हॉरर से उछला था, जहां पर इनको कई लोगों ने फेक होने का भी किरदार दिया। इनकी जो सोसाइटी है उसमें मेडिकल डॉक्टर, रिसर्चर्स, पुलिस ऑफिसर्स, नर्सेस और कॉलेज स्टूडेंट्स का भी इस्तेमाल अपने केसेस की हेल्प के लिए भी करते थे। इनकी केसेस से इंस्पायर्ड होकर 17 फिल्म्स और एमिटिविल हॉरर सीरीज बनी है और 7 बन चुकी है कॉन्जरिंग यूनिवर्स की, जिसमें 7वीं पिक्चर एनाबेल कम्स होम अभी हाल ही में रिलीज हुई है। मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि अगर ये दोनों नहीं होते तो कॉन्जरिंग यूनिवर्स आज नहीं होता। वॉरेन्स ने अपना खुद का एक प्राइवेट ओकल म्यूजियम भी ओपन किया, जहां पर इनके 10,000 से भी ज़्यादा केसेस से कुछ ना कुछ चीज़ यहां पर रखी हुई है। और लॉरेन का खुद का यह कहना था कि वो इस ओकल म्यूजियम में जाने से डरती है और दुनिया की सबसे ज़्यादा डरावनी जगह अगर कोई है तो यही है। इस म्यूजियम में रोज एक प्रिस्ट आते हैं जो पूरे म्यूजियम में चक्कर लगाकर उसको पवित्र करते हैं ताकि बुरी शक्तियों का प्रभाव कम रहे। लेकिन इन सब में से ज़्यादा एक चीज़ जो लॉरेन को सबसे ज़्यादा डराती है वो है एनाबेल डॉल। एक इंटरव्यू के दौरान अपने अकल म्यूजियम को दिखाते हुए लॉरेन ने यह बात कही थी कि वो इस डॉल की तरफ देखना भी नहीं चाहती और सबसे ज़्यादा नफरत वो इस डॉल से करती है। इसकी तरफ बिना देखे बात की जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि इस डॉल को देखने और छूने से ही लोगों के साथ बहुत गलत गलत घटनाएं घटी है। लॉरेन का यह कहना था कि एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान ने इस डॉल के केस को छूकर कुछ कह दिया था, तो उसका परिणाम यह निकला कि शाम को ही एक बाइक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। हालांकि ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन लॉरेन का ऐसा मानना नहीं था। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एड लॉरेन और वॉरेन दोनों ही हमारे बीच में नहीं है। एड की मृत्यु 23 अगस्त 2006 में एक हार्ट अटैक के दौरान हो गई थी और उसके बाद से ही लॉरेन ने भी इस काम से रिटायरमेंट ले ली थी, पर वो एक कंसल्टेंट के रूप में हमेशा ही अपने जूनियर के साथ रही। लॉरेन वॉरेन की मृत्यु हाल ही में 18 अप्रैल 2019 में हुई है। तो ये थी एड लॉरेन और वॉरेन की कहानी।